आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 Android मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन पे इनकमिंग कॉल आने पर जो है रिंगटोन के साउंड की आवाज़ तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, ऐप्स, ठीक है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे नीचे की साइड आना है, नीचे की साइड आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसके नीचे आपको एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या इस तरीके का ये डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पर टैप करना है, इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।